नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, कई बार व्यापार में हम लोगों से पेमेंट लेते हुए चेक से भी पेमेंट लेते हैं। हम चेक लेते हैं सामने वाले पार्टी से और वो चेक हम जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं और बैंक में हमें पता चलता है कि वो चेक जो है वो डिसऑनर हो गया, मतलब सामने वाले पार्टी ने जिसने अपने को चेक दिया है उसके अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं है, इनसफिशियंट बैलेंस है, तो इस चेक केस में चेक हो जाता है डिसऑनर। फिर हम सामने वाले पार्टी को तमीज से बात करते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारे पैसे आप लौटा दो। फिर भी सामने वाली पार्टी नहीं मानती तो फिर ऐसे केस में अपने हाथ में ऑप्शन रहता है कि हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत केस दाखिल कर सकते। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 अपने को ये पावर देता है। इसके चलते सामने वाली पार्टी जो है जिसने अपने को चेक दिया है और वो चेक डिपॉजिट करने के बाद डिसऑनर हुआ है, उस पार्टी को लगभग 2 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही साथ वो पार्टी को फाइन भी लग सकती है और वो फाइन होती है चेक के डबल अमाउंट के इतनी, मतलब चेक 1 लाख का है तो लगभग 2 लाख तक की फाइन लग सकती है सामने वाले पार्टी पे। तो ये पावर अपने हाथ में रहती है, लेकिन सेक्शन 138 की हम जब नोटिस डालते हैं तो नोटिस कैसे डालने की, रजिस्टर्ड एडी से भेजने की कि सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग से भेजने की या नॉर्मल पोस्ट ऑफिस से भेजने की, इसी बारे में एक अहम फैसला आया है कर्नाटक का हाईकोर्ट का। ये केस हुआ था नागप्पा और मोहम्मद इनके बीच में। ये केस में एक जानकारी सामने आई कि नागप्पा जो है उन्होंने लगभग 1.5 लाख रुपए की मदद करी थी अपने किसी पहचान वाले इंसान को, कोई दोस्त रहेगा उनको उन्होंने मदद करी थी क्योंकि उनको फैमिली में उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही थी 1.5 लाख रुपए की। मोहम्मद जो है उन्होंने नागप्पा से 1 लाख रुपए का चेक में पैसे लिए थे और 50,000 रुपए कैश में उधारी के तौर पे लिए थे। इसके बाद जो मोहम्मद जो है उन्होंने पैसे रिटर्न भी करे थे, रिटर्न करते हुए उन्होंने अलग अलग 3 चेक दिए थे, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को और 1 मई को, ऐसे 50,000 रुपए के 3 चेक दिए थे। लेकिन ये जो चेक थे, ये सारे चेक जब नागप्पा है उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किए तो सारे चेक जो है वो डिसऑनर हो गए क्योंकि जो पार्टी है मोहम्मद उनके बैंक अकाउंट में इनफ बैलेंस नहीं था, बैंक ने मैसेज दिया था फंड्स इनसफिशिएंट, तो उसी के चलते प्रॉब्लम हो गई और नागप्पा जो है उन्होंने सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का उसका सहारा लेने की कोशिश करी। तो उसके कारण क्या हुआ कि सहारा लेने की कोशिश तो करी थी लेकिन मेन इश्यू ये हो गया था कि जो नोटिस जो है वो देने में चूक कर गए, ऐसा ट्रायल कोर्ट का मानना था। जो नागप्पा है उन्होंने जो नोटिस भेजी थी वो उन्होंने भेजी थी रजिस्टर्ड पोर्ट से, लेकिन ट्रायल कोर्ट है उन्होंने ऐसा बोला जो नोटिस जो है वो भेजनी चाहिए थी सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग से। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग मतलब एक फॉर्म होता है ऑनलाइन, वो फॉर्म आप डाउनलोड करते हो, वो फॉर्म पूरा भरते हो, आप पोस्ट ऑफिस जाते हो, उस पर स्टैंप लेते हो और वो अपने पास जमा रखते हो। लेकिन जो नागप्पा है उन्होंने रजिस्टर्ड एडी से ही किया था, ऐसा ट्रायल कोर्ट का मानना था और इसी के कारण 138 का केस नहीं बनेगा, ऐसी बातें भी सामने आई थी। तो जो नागप्पा जो है वो पहुंच गए थे हाईकोर्ट, फिर हाईकोर्ट जो है उनके सामने जब एक केस सामने आया तो हाईकोर्ट ने ये बातें मानने को इनकार किया। हाईकोर्ट ने ऐसा बोला कि ट्रायल कोर्ट जो है उन्होंने सारी बातें मान ली, मतलब उन्होंने ये भी मान लिया कि जो नागप्पा जो है उनकी फिनेंशियल कैपेसिटी है कि वो कर्जे दे सकते हैं, साथ ही साथ उन्होंने चेक भी दिया है मोहम्मद को और साथ ही साथ उन्होंने लीगल नोटिस भी डाली हुई है, ये सारी बातें जो है ये ट्रायल कोर्ट ने मानी थी। लेकिन ट्रायल कोर्ट एक ही बात पे अड़े हुए थे और वो बोल रहे थे कि जो नोटिस जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग से ही डालनी थी। तो हाईकोर्ट जो है उन्होंने ये बात मानने को इनकार किया। हाईकोर्ट ने ऐसा बोला कि ये जो नोटिस है ये सिर्फ रजिस्टर्ड एडी से भी डाली जा सकती है। हम आते हैं फाइनल फैसले पे। फाइनल फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने ऐसा बोला कि जो नोटिस जो होती है, जो आप नोटिस डालते हो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपने सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग से नोटिस डालनी है, आपने सिर्फ रजिस्टर्ड एडी से नोटिस डाली तो भी इनफ माना जाएगा और वो सर्विस की नोटिस मानी जाएगी क्योंकि उन्होंने जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 27 की बात करी थी और ये इसके तहत उनका ऐसा बोलना था कि आप नोटिस जो है रजिस्टर्ड एडी से भी डाल सकते हो।
और इसी के कारण ये केस बनेगा, ऐसी बात कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोली और सेक्शन 138 का केस बनेगा ये बात बोली। वही मोहम्मद जो है उनका ऐसा कहना था कि जो नागप्पा है उन्होंने जानबूझ के रजिस्टर्ड एडी से किया ताकि वो गलत एड्रेस पे चला जाए, और गलत एड्रेस पे अगर मेरा को नोटिस मिले तो मुझे पता ही ना चल पाए और वो केस दाखिल कर पाए कोर्ट में। ये इल्ज़ाम मोहम्मद जो है उन्होंने नागप्पा पे लगाया, जो नागप्पा जिनको जिन्होंने एक्चुअली मदद करी थी मोहम्मद को, उन पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गलत एड्रेस पे जानबूझ के उन्होंने हमें नोटिस भेजिए, हमें पता ही ना चले और केस भी बन जाए। लेकिन एक्चुअली कोर्ट जो है हाईकोर्ट है उन्होंने ये बातें मानने को इनकार किया। हाईकोर्ट ने क्लियर बोल दिया है कि लीगल नोटिस आपके ऊपर सर्व हो गई है और हमारे पास एविडेंस है कि जो नागप्पा है उन्होंने प्रॉपर नोटिस डाली है, रजिस्टर्ड एडी से नोटिस डाली है, उनका इंटेंशन भी क्लियर था, तो इस केस के चलते ये केस दाखिल हुआ और हाईकोर्ट ने लगभग 160,000 रुपये की पेनल्टी उनके ऊपर लगाई, मोहम्मद पे लगाई। उसमें से उन्होंने बोला कि 10,000 रुपये जो है वो स्टेट को दिए जाए और 1.5 लाख रुपए जो है वो नागप्पा को दिए जाए, और साथ ही साथ उनको ब्याज भी देने को बोला 6% पर एनम, 6% हर साल के हिसाब से ब्याज देने को उनको बोला गया। और उनको ऐसा बोला गया ये सारे पैसे जो है वो आप 8 हफ्ते में वापस करोगे, 8 हफ्ते में फाइन देने को बोल दिया है। तो अगर 8 हफ्ते में पैसे नहीं दिए तो नागप्पा जो है वो अपने हिसाब से केस दाखिल करेंगे और अपने पैसे वसूलेंगे, ये बात बोली है कर्नाटका हाईकोर्ट ने। तो ये केस में इम्पॉर्टेंट सीखने वाली बात है कि आप जब नोटिस डालते हो तो प्रॉपर नोटिस तब भी मानी जाएगी जब आप रजिस्टर्ड एडी से भी आप किसी को नोटिस डालते हो। पोस्ट ऑफिस में जाके आप सिर्फ रजिस्टर्ड एडी करोगे सामने वाले पार्टी पे तो भी उसको प्रॉपर नोटिस माना जाएगा। आपने आपका इंटेंशन सही चाहिए, आपको जब पार्टी का एड्रेस जो है जो आपको एक्चुअली पता है उसी एड्रेस पे आपने भेजा और उसको कोई भी आपके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला कि आप जानबूझ के गलत एड्रेस पे भेजे हो, तो फिर ये केस जो है वैलिड बनता जाता है। ये बात हमें ये केस के चलते सीखने को मिल रही है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइट डे।